तो अन्ना हजारे ने अपनी तरफ से आखिरी चेतावनी सरकार को दे दी है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे जल्दी नहीं मानी तो वो अनशन करेंगे। अनशन से तात्पर्य उनका आमरण अनशन से ही है। अन्ना का कहना है कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी अनशन होगा। अनशन की जगह क्या होगी ये अभी तय नहीं है। दरअसल कुछ किसान संगठन के लोग अन्ना हजारे से जाकर मिले थे और उन्होंने अन्ना से समर्थन मांगा था। वो चाहते थे कि अन्ना हजारे दिल्ली आए ताकि रामलीला मैदान पर अनशन वो करें। इससे सरकार हिलेगी, किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, किसानों पर जो दबाव है थोड़ा सा वो कम होगा, किसान और ज़्यादा मजबूत होंगे और किसानों को ये उम्मीद बंधेगी कि अन्ना हजारे अपने आमरण अनशन के जरिए इस सरकार को झुका सकते हैं। सरकार को ये बात पता चली तो अन्ना हजारे ने ही जो मीडिया में कहा है कि सरकार ने कुछ नेताओं को भेजा और उन्होंने अन्ना हजारे से कहा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, किसानों के साथ हम बात कर रहे हैं, किसानों की बातें हम अपनी तरफ से जितना संभव होगा मानने की कोशिश करेंगे और आपको अनशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अन्ना हजारे के अनशन से ये सरकार डर क्यों रही है। पंजाब के लाखों हजारों किसान, हरियाणा के किसान धरना दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अपनी मांगों के समर्थन में 20-25 दिन से सड़कों पर बैठे हैं। उनके सामूहिक ताकत से सरकार डर नहीं रही है, लेकिन 80 साल से ज़्यादा एक बुज़ुर्ग के अनशन से या अनशन की चेतावनी से सरकार क्यों डर रही है। सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि वो जानती है कि 2011-12 में जब अन्ना हजारे ने जन लोकपाल को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान पर धरना दिया था, आमरण अनशन किया था, तो कैसे यूपीए सरकार की चूलें हिल गई थी, कैसे यूपीए सरकार को अपने मंत्रियों को सिविल सोसाइटी के साथ बैठकर जन लोकपाल पर कानून बनाने के मुद्दे पर एक सामूहिक बैठक करनी पड़ी थी। ये बैठकों का लंबा दौर चला था। तो अन्ना हजारे ने तब यूपीए सरकार को झुकाया था और अब, और हैरानी की बात है और मज़े की बात है, राजनीति देखिए कि तब अन्ना के आंदोलन का फ़ायदा इसी बीजेपी ने उठाया था, इन्हीं नरेंद्र मोदी ने उठाया था जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और इस आंदोलन का उन्होंने अपने पक्ष में इस रूप में फ़ायदा उठाया कि देश भर में यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाया, घोटालों के खिलाफ माहौल बनाया और वो प्रधानमंत्री बन गए, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर बीजेपी समझ रही है कि अन्ना के आंदोलन की ताकत क्या है। अन्ना से केजरीवाल दूर हो गए हैं, लेकिन केजरीवाल जिस ढंग से किसानों के समर्थन में खुलकर आए हैं, अगर अन्ना दोबारा दिल्ली आते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं, रामलीला मैदान पर बैठते हैं, तो केजरीवाल की सरकार भी अन्ना से पुराने गिले शिकवे भूलकर अन्ना का साथ देगी। जितने तरीकों से एक सत्तारूढ़ पार्टी एक अनशन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा सकती है वो भूमिका निभाएगी। इस बात को भी सरकार अच्छी तरह से समझ रही है और किसान तो समझ ही रहे हैं कि अन्ना का अनशन अब उनके लिए कितना ज़रूरी हो गया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या अन्ना की अनशन की चेतावनी के दबाव में आकर सरकार किसानों के साथ कोई समझौता करती है। अगर ऐसा करती भी है तो भी ये अन्ना की अप्रत्यक्ष रूप में जीत होगी। शुक्रिया।